गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीसो सिल्क साड़ी कांजीवरम साड़ी हॉल। एंड ये सारे ही फेस्टिव एंड वेडिंग वेयर हैं, जैसे कि आने वाले दशहरा दिवाली में पहन सकते हो, वेडिंग्स वगैरह में पहन सकते हो, और अच्छे से ब्लाउज वगैरह स्टिच करा के ज्वेलरी वगैरह पहनोगे तो बहुत ही सुपर्ब लगोगे। अब इनमें से सारी ही जो साड़ियाँ हैं वो 1000 रुपीज या फिर उसके अंदर ही हैं, लेकिन आप को ये मैं बात बता दूं कि 1000 रुपीज़ में आपको ओरिजिनल कांजीवरम और सिल्क की साड़ियाँ नहीं मिलती हैं। ये मिक्स्ड सिल्क है, लेकिन आपको लुक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही रिच देती है। कौन सी साड़ी कैसी है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपने अभी तक मीसो को नहीं डाउनलोड किया है तो मेरे दिए हुए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज़ ऑफ और 30% का ऑफ मिल जाएगा। So, जो फर्स्ट हमारी साड़ी है वो है ये वाली साड़ी। ये बहुत ही प्यारे से रानी पिंक कलर में है, इसमें येलो, ग्रीन और बहुत सारी साड़ियाँ, आई थिंक 6 या 7 कलर्स हैं। सारे कलर्स ऑसम है, बट फेस्टिव के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला कलर बहुत ही प्यारा लगा, और ये कलर सब में बहुत ही ज़्यादा खिलता है। प्लस इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी, मेरे पास ऑलरेडी इसमें ग्रीन कलर है जो मैंने अपनी मम्मी जी को दिया हुआ है, और वो पहनी भी थी, अगर उनकी इमेज होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पे डाल दूंगी, मतलब पूजा में पहना था उन्होंने, उनको भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। सेम वही साड़ी है, बस ये डिफरेंट कलर में है, और ये मैंने लिया हुआ है अपने लिए क्योंकि मुझे इसकी कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे पता था इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको पूरी ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, इस तरह से आपको पूरी साड़ी में वर्क मिल जाएगा, मतलब इस तरह का जो दरी वर्क होता है ये मिल जाएगा। ऊपर में कुछ इस तरह की बॉर्डर मिलेगी और नीचे के साइड में कुछ इस तरह की बॉर्डर मिलेगी। मैं आपको आंचल इन ब्लाउज दिखा देती हूँ। साड़ियों को ओपन करने के बाद ना इन्हें समेटना बहुत डिफिकल्ट होता है यार। ओके, तो जो ब्लाउज की फैब्रिक आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरह की मिलने वाली है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ये गोल्डन भी नहीं है, ये सिल्वर भी नहीं है, सैम्पेन कलर है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह की आपको ब्लाउज की फैब्रिक मिलने वाली है, इस तरह की बॉर्डर मिलेगी, ब्लाउज बहुत ही ग्रैंड लगने वाला है जब आप इसे स्टिच करा के पहनोगे। प्लस इसमें जो आँचल है वो कुछ इस तरह का है, आँचल भी बहुत ही प्यारा दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी भरा हुआ पूरा काम है, देख सकते हो आप। इस वाले साड़ी को तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, आने वाले किसी भी फेस्टिवल के लिए आप परचेस करना चाहो, करवा चौथ के लिए आप परचेस करना चाहो तो भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर साड़ी है, और इसको अभी मुझे पहनना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें काफ़ी सारे सिलवटे आ जाएंगी। तो ये साड़ी मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी। अब डेफिनेटली इसका कोई भी कलर आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप आँख बंद करके इसे परचेस कर सकते हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो है कुछ इस तरह की, चेक पैटर्न में है, और ग्रीन एंड पिंक एंड मरून के कॉम्बिनेशन में है। काफ़ी सुंदर लग रहा था मॉडल पे देखने में, तो मैंने इसको मंगवाया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ी है, बट इसकी क्वालिटी जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, और जैसे कि कांजीवरम सिल्क की जो क्लोथ होती है वो थोड़ी थिक होती है ना, क्योंकि उसमें पूरा वर्क किया हुआ होता है इस तरह से, वो जरी पतले वाले जरी का, गोल्डन जरी का, तो इस तरह से है ये वाली साड़ी। और इसमें जो आपको आंचल मिलेगा ना वो कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसमें आंचल प्रोवाइड किया गया है, और साड़ी आप देखोगे तो कुछ इस तरह से है। पूरी साड़ी में आपको सेम यही डिज़ाइन मिल जाएगी, यही पैटर्न मिल जाएगा, पिकॉक बने हुए हैं, राउंड राउंड फ्लावर बने हुए हैं, इस तरह की बॉर्डर है। और इसका मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आंचल तो मैंने दिखा दिया कुछ इस तरह से है, जस्ट मैं आपको ब्लाउज की फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज की फैब्रिक इसमें इस तरह की मजेंटा कलर की प्लेन फैब्रिक मिलती है। साड़ी बहुत ही प्यारी है, आप इसको पिंक कलर के जो ब्लाउज है यदि आपके पास सिल्क साड़ी की तो आप उसके साथ भी इसे पहनोगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। तो ये थी मेरी नेक्स्ट साड़ी, बहुत ही सुंदर है, चेक पैटर्न में है, तो काफी ज्यादा स्मार्ट लगने वाली है, डिफरेंट लगने वाली है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, आई थिंक 10 कलर्स तो होंगे ही, बट मैंने इस कलर को इसलिए मंगाया ना, मैंने एक इमेज देखी रिव्यूज़ में, उसमें जो ब्राइड थी उसने इस साड़ी को पहना हुआ था, क्या गजब की क्लासी लग रही थी यार, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी, बस उसको देख करके मैंने इस साड़ी को मंगाया हुआ है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जिस इस प्राइस में आपको जितनी मिलनी चाहिए वैसी है, आप इसको अच्छे से स्टाइल करोगे, अच्छी ब्लाउज स्टिच करा करके पहनोगे, बहुत ही सुंदर लगेगी, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही है, कोई भी नहीं बोलने वाला है ओरिजिनल है या क्या है, कि आपके कपड़े को टच करके थोड़ी देखता है, बट टच करने में भी इसकी फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह की है ये वाली साड़ी, इसमें आपको पूरे साड़ी में कुछ इस तरह का वर्क मिल जाएगा, लाइक ये बूटा वर्क मिल जाएगा, और दोनों ही साइड में आपको कुछ इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी। प्लस इसमें जो आपको वो आँचल मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का है, पूरे गोल्डन कलर की आँचल है इसमें,
इसमें जो ब्लाउज की फैब्रिक आपको मिलने वाली है वो इस तरह की प्लेन मिलने वाली है, बट इसके साथ आप गोल्डन कलर की या फिर बेज कलर की या फिर ग्रीन कलर की ब्लाउज पहनोगे तो भी अच्छे लगोगे, और सेम कलर की भी स्टिच करा के पहनोगे तो भी अच्छे लगोगे। और ब्लाउज की प्लेन फैब्रिक के साथ में आपको बॉर्डर भी दी गई है, तो आप बॉर्डर को अपने स्लीव्स में डलवा सकते हो। तो ये वाली साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। मुझे तो ये डार्क मरून कलर बहुत ही अच्छा लगा। नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, डार्क ब्लू एंड ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कलर बोलते हैं, स्काई ब्लू तो नहीं, कौन सा कलर इसको बोलते हैं मैं भूल गई, बट ये दोनों कलर का जो कॉम्बिनेशन आता है ना सिल्क की साड़ियों में बहुत ही चलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हो पूरे आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा इस साड़ी में, नेवी ब्लू कलर की साड़ी है प्लस इस तरह की कलर में बॉर्डर है और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये, मतलब जो मॉडल ने पहना हुआ था ना बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, सेम वही साड़ी है। और यहाँ पे आपको जो आंचल मिलने वाला है वो भी बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है इस तरह से स्काई ब्लू कलर में, बहुत ही सुंदर सा कलर है ये, आंचल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें जो ब्लाउज की फैब्रिक आपको मिलेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ इस तरह की आपको ब्लाउज की फैब्रिक मिल जाएगी, ये देख सकते हो काफ़ी ब्लाउज की फैब्रिक भी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है, प्लेन नहीं है इसमें, आप देख सकते हो आपको फ्लावर की डिज़ाइन मिल जाएगी इस ब्लाउज की फैब्रिक में, प्लस यहाँ से आपको स्लीव्स के लिए कुछ इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये साड़ी है और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस साड़ी को परचेस करो। बॉर्डर जो है पूरी साड़ी में ऊपर के साइड, मतलब जो ऊपर के साइड में इस तरह की स्लिम बॉर्डर आएगी और नीचे के साइड में थोड़ी सी उससे ब्रॉड बॉर्डर आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है और मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस साड़ी को परचेस करो। सो ये जितने भी साड़ी हैं सारे फेस्टिव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी मेरी फेवरेट साड़ी है, ये है पिंक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की बॉर्डर मिलेगी ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में देखोगे तो कुछ इस तरह की बॉर्डर मिलेगी, काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर है इस तरह से, ये आप देख सकते हो इस तरह की बॉर्डर है। और पूरे साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाएगा, गोल्डन पूरा ये आपको वर्क मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है गाइस, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इससे पहले वाली साड़ी, मतलब सारी ही साड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, और इसमें जो आपको आंचल मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिफरेंट क्लासी आंचल है इसका। और इसमें जो ब्लाउज की फैब्रिक आपको मिलेगी वो प्लेन मिलेगी विथ बॉर्डर, इस तरह की बॉर्डर आप स्लीव्स में डलवा सकते हो, इस तरह की प्लेन ब्लाउज की फैब्रिक है, ब्लाउज की फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप डेफिनेटली इससे ब्लाउज बनवा सकते हो। इस तरह की है ये वाली साड़ी और ये साड़ी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। एंड जो हमारी लास्ट साड़ी है वो है ये बहुत ही प्यारे से ग्रीन कलर में ब्राइडल साड़ी, या फिर आप ऐसे भी पहन सकते हो वेडिंग वगैरह में, इसमें ये राउंड राउंड बूटे बनाए हुए हैं, मुझे बूटे वाली साड़ी चाहिए थी और फाइनली मुझे ये साड़ी मिली मीशो पे, और ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, इस तरह की जो बूटे वाले राउंड राउंड साड़ी होती है बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह की आपको बॉर्डर मिलेगी नीचे के लिए और ऊपर के लिए आपको थोड़ी सी स्लिम बॉर्डर मिलेगी, ये आप देख सकते हो ये नीचे के साइड में आएगी, ये ऊपर के साइड में आएगी, और पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाएगा राउंड राउंड। आप इसे अपने रिसेप्शन वगैरह में पहनने के लिए भी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही हैवी साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, कुछ इस तरह का आपको वर्क मिल जाएगा इसके आंचल में, काफ़ी हैवी आंचल है, बहुत ही ग्रैंड वर्क किया हुआ है इसमें, तो इस तरह से आपको मरून कलर का यहाँ पर आंचल मिलने वाला है। एंड इसमें जो ब्लाउज की फैब्रिक मिलने वाली है वो कुछ इस तरह की मिलने वाली है, पूरी गोल्डन, मतलब मरून कलर के क्लोथ में पूरे गोल्डन जरी का वर्क है, बहुत ही खूबसूरत इससे ब्लाउज बनेगा, जब आप इसकी ब्लाउज अच्छे से हाफ स्लीव्स वाली बनवा के साड़ी को पहनोगे ना बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगोगे। तो इस तरह की है इसकी ब्लाउज की फैब्रिक, फैब्रिक की क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ओरिजिनल सिल्क के जैसी है, बिल्कुल भी चीप नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको इसका रिकमेंड करूँगी कि ये साड़ी या फिर आपको इसमें और दूसरी कलर इसमें हो अवेलेबल तो आप अपनी पसंद का ज़रूर परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और ब्यूटीफुल साड़ी है।
नाउ जो नेक्स्ट साड़ी है वो है ये वाली साड़ी। अब ये वाली साड़ी मैं आपको ऐसे साड़ी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो साड़ी है ना वो काफी ज्यादा थिक है, थोड़ी ये जो कड़क बोलते हैं ना वो कड़क साड़ी है। देखने में ये बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ था, पर ये काफी ज्यादा कड़क साड़ी है। लेकिन इससे आप जब स्कर्ट बनवाओगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्कर्ट बनेगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ यही वर्क मिल जाता है। पूरी की पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी साड़ी ऐसी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलीदार स्कर्ट बनेगा इससे, या फिर आप इससे सूट बनवा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे की जा सकती हैं। तो उसके लिए आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है। पूरे साड़ी में इस तरह का ब्रोकेड वर्क कहाँ मिलता है यार, बहुत ही सुंदर पीस मिला है मुझे ये। और इससे मतलब स्कर्ट भी बन जाएगा और आपका एक कुर्ता भी बन जाएगा, और आप इसको ग्रीन कलर की क्रॉप टॉप या फिर ब्लाउज या फिर गोल्डन कलर की ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो ये है आपकी साड़ी, और इसमें यहाँ पे ये ग्रीन कलर का पार्ट है, प्लस इसमें इस तरह की राउंड राउंड बूटे बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे लगता है मैं इससे डेफिनेटली बनवाने वाली हूँ क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट। ये वाले पार्ट मेरे टॉप में आएगा, ये बॉर्डर का मैं क्या करूँगी पता नहीं, बट ये पार्ट आएगा मेरे टॉप में। बहुत ही खूबसूरत सा मैं बोट नेक के साथ हाफ स्लीव्स के साथ इससे बनवाने वाली हूँ क्रॉप टॉप, एंड ये पूरा पार्ट मैं बनवाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी स्कर्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसको बनवाने के बाद इसके साथ आप प्लेन कुर्तीज जो होती है सॉलिड कलर की, मरून या फिर रेड या फिर ब्लैक या फिर बेज, वो कुर्तीज भी आप इसके साथ पहन सकते हो विद गोल्डन दुपट्टा, बहुत ही क्लासी लुक देगा। तो ये तो मैं वही काम करने वाली हूँ। मुझे पहले लग रहा था ये साड़ी के लिए बहुत ही हार्ड फैब्रिक है, बट डिफरेंट यूज के लिए स्कर्ट बनाने के लिए आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत ही पसंद आई है और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की साड़ी हॉल। आई होप आपको बाकी साड़ियाँ पसंद आई होंगी, और जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको स्टिच कराने का सोच रहे तो डेफिनेटली साड़ी को बाय कर सकते हो आप, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल साड़ी है और उस प्राइस में ये वाले डिजाइन वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है बाय करना। एक तरह से फैब्रिक समझ के इसे परचेस कर सकते हो और इसके आप स्कर्ट बनवा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सभी के कोड मिलेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड को आपको सर्च बार में सर्च करना है। साथ ही में सेलर के पास जितने भी आइटम हैं वो भी आपको दिखने लगे, कलर डिजाइन पैटर्न सब दिखने लगेंगे, उनमें से आप जिसको परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। मीशो में आपको 7 डेज की रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी भी मिलती है, तो आपको पसंद ना आए आइटम या फिर छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए तो आप रिटर्न और एक्सचेंज कर सकते हो विद इन 7 डेज। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।